आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक गतिविधियां लड़खड़ा गई हैं। कोविड के चलते देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन रहा है। इसके चलते व्यापारियों और मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों की हालत काफी खराब हो गई है। प्रदेश कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन विनोद बंसल ने केंद्र और प्रदेश सरकार से कोविड काल में व्यापारियों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ का चेयरमैन होने के नाते आज जितनी विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं, व्यापारी ने कभी भी ये ऐसा नहीं देखा। जिस भाजपा सरकार है, व्यापारियों के हमारे बल पर चलती है और चलती रही है, लेकिन उनकी मानसिकता हमसे चंदा बटोरना, हमसे धनराशि लेना और हमको ही दंडित करना रहा है, हमको ही परेशान किया जाता है। आज पूरे व्यापार की हालत देखिए, लॉकडाउन होता है तो व्यापारी पिसता है, पुलिस का डंडा चलता है तो व्यापारियों पर चलता है, और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो डीजल और पेट्रोल की रेट्स बढ़ी हैं, उससे खर्चा बढ़ा है, व्यापारी का जो प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया है, और आज की स्थिति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जीएसटी की देखें तो जीएसटी के अफसर, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो ऑफिसर हो, इतने भ्रष्ट और बेईमान हो गए हैं। मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करें, अवैध वसूली बंद करें। जब इस प्रकार से वो ना कर पाए तो आगे आने वाला समय हमारा है, कांग्रेस का है, आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का है, आदरणीय अजय कुमार लल्लू का है।